आज तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज अंतिम दिन आज ही था, और बहुत कम ही उम्र में वो चले गए थे, 64 साल में ही चले गए, और आज ही के दिन उनका 1988 में तो हम लोगों को जो तकलीफ हुई थी उन्हीं के साथ, हम लोग तो उनको और आगे सोच रहे थे, बहुत आगे जाएंगे, कौन है मुझे पता नहीं, न सिर्फ राज्य के बल्कि देश के नेता रहेंगे, लेकिन उनका ऐसा अचानक निधन हुआ है। इसी स्थान पर वो रहते थे और हम लोग आते रहते थे बराबर, तो उसी समय से हम लोग इनका पुण्यतिथि जो भी है जन्मदिन का भी करते हैं और पुण्यतिथि का भी, तो ये करते हैं, तो हम लोग उसी सिलसिले में यहाँ पर आए। लेकिन आप अगर कोई नई बात पूछ रहे हैं कोई चीज़ के बारे में, तो आप कोई बता दें। सर आप भी आप प्रेस की आज़ादी के लिए, प्रेस की आज़ादी के लिए आप भी हमेशा सर बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स का रेट हुआ था, एक डॉक्यूमेंट्री बना था, डॉक्यूमेंट्री बना था उसी हुई है, कैसे देखते हैं 60 घंटे का रेट चलिए। बीबीसी वाला जी, अच्छा उसके बारे में जी, हाँ हाँ तो वो तो उसके बारे में कुछ बोल रहा था, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम तो अभी इधर लगातार घूम रहे थे तो उसी बीच में देखा था कि तब, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई भी कहीं का कोई भी है, या सब दिन से तो यही है जो दुनिया भर में है, तो अगर उनके द्वारा कहीं से कोई बात कही जाती है तो उसके चलते एक्शन की तो बात अब समझ लीजिए, इन लोगों की इच्छा क्या है सर, ये तो बहुत क्लियर कट है सर, सुनते आप भी लंबे के खिलाफ कोई बोलेगा तो क्या है सर, आप भी लंबे ठीक नहीं लगा है कि क्या मामला है, हम तो लगातार अपना यात्रा पर थे, ताजा पूछ रहे हैं हम, और आज डिटेल जरा सा क्या क्या लिखे देखेंगे, क्योंकि हम बहुत इंगेज थे इसमें, एक देखे जरूर थे हल्का सा एक न्यूज, अडानी सरकार में है आपके खिलाफ भी कई खबरें चलती हैं, तो क्या ऐसा एक्शन, क्या चीज आप भी लंबे समय से सरकार में है आपके खिलाफ भी खबरें चलती हैं, तो क्या ऐसा एक्शन आप मुनाजिर समझते हैं? काहे के लिए, जिसको जो मन करे जो लिखे, कोई करे तो हम कभी कुछ कहते हैं, जिसको जो मन करे करते रहे लिखते रहे, हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना और काम करना, हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं, सबके हित में काम करते रहते हैं, लेकिन कोई हमारे खिलाफ बोले बोले अपना कोई फर्क नहीं पड़ता, मालिक तो जनता ना है जी, उसको ना देखना है कोई चीज कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलते रहता है तो आजकल हम जानते नहीं है, हम लोग जितना पहले कम्मा करते थे तो सब छपता था जी, आजकल हम लोग काम करते हैं तो छपता, खिलाफ बोलता वही ज्यादा छपता, जाने दीजिए छपने दीजिए। सुधाकर सिंह सर, सुधाकर सिंह विधायक है सरकार में, उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है मजदूर विरोधी है, कैसे देखें किसानों के लिए कुछ काम, किसानों के लिए काम है, किसी का नोटिस ले रहे हैं, आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है, आप कितना डेवलपमेंट हुआ कुछ पता है, क्या पता है लोगों को बताइए, तो कृषि रोड मैप से लेकर के एक चीज कौन क्या बोलता है उसे पूछिए तो सही, आज इतना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है, और अभी जो हम लोग घूम रहे थे तो उसके लिए और कुछ क्या करना है, एक एक सबसे बात किए हैं, तो ये हम लोग करते रहते हैं, और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़ का जो असर होता है, सुखाड़ का असर होता है, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास में लगे हुए हैं, लेकिन अब कौन क्या बयान देता है उसका कोई वैल्यू है, आप किसी को बोलना है बोलने दीजिए, हमसे मत पूछा करिए उनको, सुनना चाहते हैं तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को जानिए, और जरूरत पड़ेगा तो अपना उसके बारे में बताते रहिए, क्या काम किया है हम लोगों ने और कितना काम किया है, किस क्षेत्र में काम किया है जरा देख रहे हैं ना, कैसा डेवलप हुआ है, अब कोई शहर या बाजार देख रहे हैं आप, कैसी स्थिति है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ कैसा मकान दिखता था आपको, अब कौन क्या बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसको कुछ पता है, ये जो बन रहा है यहाँ पर वो अभी जो ये और 8-9 साल से केंद्र सरकार है उससे कुछ है, अरे यहाँ जो कुछ भी हुआ राज्य ने किया, एक एक काम किया है अपनी तरफ से पूरे तौर पर, साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, समझ गए ना, हम लोग समूचे लोगों के हित में काम कर रहे हैं,
कोई हम लोगों के खिलाफ में बोलता है तब ना बोलता रहे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि उसके क्षेत्र में या उसका कहीं कोई इलाका है तो उसमें कोई, हम लोग सब जगह के विकास का। सर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में सर जेपीसी की मांग तमाम ओपोजिशन पार्टियों ने की अडानी को लेकर, सर आपका क्या स्टैंड है इस पे? संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है, आप विभिन्न जो धर्म के लोग हैं सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को ख़त्म करना चाह रहा है, इसलिए संभव ही नहीं है जो भी देश है। आ किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए, और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या काम बोल रहे हैं, इसको बोलना है बोलते, या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को अभी मौका मिला है तो क्या क्या बोलता है, अब चलिए अब इस चुनौवा के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ। सर पार्लियामेंट में तमाम ओपोजिशन पार्टियों ने जेपीसी की मांग की अडानी इशू पर, आपको क्या लगता है इस पर होनी चाहिए जेपीसी कमेटी की? जो पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर है जी, कोई भी पार्टी, तो उनको तो अधिकार न है, अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसके बारे में बोलना तो अधिकार है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग नहीं रहे एमपी, जब कोई सरकार थी विरोध में कोई हम लोग थे तब नहीं सुनता था, हम लोगों की भी जब सरकार थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, हम लोग ये जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग थे, अटल जी के नेतृत्व में हम लोग थे, तो उन्हें सबका सुनते थे। अपोजिशन की तरफ से भी कोई कहता था श्रद्धेय अटल जी सबका बात सुनते थे,